तो दोस्तों गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। तो अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हो उसके अंदर आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा है उसके अंदर परेशानी आ रहा है, आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैमरे को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मेरे प्रॉब्लम हो रहा था मेरे डिवाइस के अंदर, तो मैंने जो इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया है। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे आप अपनी परेशानी को फिक्स कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो वीडियो को जानने के लिए एंड तक देखो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो सबसे पहले जाना होगा आपके कैमरा के ऐप इन्फो के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके रखना है, यहाँ पर आपके इसको ऐप इन्फो के अंदर जाना है। यहाँ कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लियर मतलब स्टोरेज के अंदर जाना है और यहाँ पर क्लियर कैश और क्लियर डाटा कर देना है। तो इसको करने के बाद जो है आपका काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप जाना, बैक जाना, पीछे जाना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग चेक करना कि भाई आपने जो परमिशन है उसको सही से परमिशन इसको अलाउ किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी तरह का परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको जो इसको अलाउ कर देना है। सबसे पहला वाला जो परमिशन है इसको डेफिनेटली इसको अलाउ करना होगा, तभी आपका कैमरा काम करेगा, चालू मतलब रहेगा। तो यहाँ पर इसको आप लोग अलाउ कर देना और जैसे ही इसको बंद करने जाओगे कुछ इस तरह का चीज़ें आपको बताएगा। तो यहाँ पर आपको इसको चालू कर देना है, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो इसको कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका कैमरे का काम हो चुका है 100% का। इसको करने के बाद आपका जो कैमरा वो काम करना चाहिए। तो मेरा जैसे कि प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने इन चीज़ों को किया तो मेरा जो कैमरा वो सही तरीके से काम कर रहा था। और इसको करने के बाद आपके भी कैमरा जरूर से काम करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद अपने फ़ोन को जो एक बार रीस्टार्ट कर लेना, यानी कि रिबूट कर लेना। रिबूट करने के बाद आप मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि मेरा जो कैमरा है वो टोटली जो है न्यू टाइप में आपको जो परमिशन वगैरह अलाउ करने को बोलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कैश क्लियर डेटा किया, इसीलिए इसको वापस से मुझे परमिशन वगैरह जो स्टोरेज वगैरह का उसको अलाउ करना होगा। तो इधर ये जो है फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर मैं जो इसको आपको चेक करके दिखाऊँ तक कि मेरा जो कैमरा है वो 100% काम कर रहा है। और वैसे मेरा जो कैमरा वो पहले भी काम कर रहा था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम मुझे काफ़ी पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन मैंने इसी तरीके को फॉलो करके मेरा जो कैमरा उसको फिक्स कर दिया था। उसके बाद मेरे मोबाइल के अंदर ये जो कैमरा वो चलने लगे था। और आपके पास कोई भी एंड्रॉयड का मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो, सभी के अंदर ये काम करेगा। तो सभी के अंदर इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है फाइनली रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर मैं आपको कैमरा खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्योंकि डिवाइस थोड़ा सा लैग हो रहा था। तो यहाँ पर रीबूट के टाइम में थोड़ा सा लैग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ। कैमरा आप जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा, लोकेशन वगैरह का, स्टोरेज वगैरह का। तो यहाँ पर अलाउ करने के बाद देख सकते हो गाइस मेरा जो कैमरा वो प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। इसके अंदर कोई भी बग वगैरह नहीं है। और वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से आप फोटो वगैरह खींच सकते हो, वीडियो वगैरह को जो है रिकॉर्ड कर सकते हो और कोई भी परेशानी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता तो उस केस में आपके हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम होगा। तो हार्डवेयर इशू का ऐसा आपका जो है सर्विस सेंटर से फिक्स होगा। तो वहाँ पर आपको सर्विस सेंटर जाना होगा हार्डवेयर इशू के लिए। और घर से आप बिल्कुल भी इसको छेड़छाड़ मत करना अगर आपके फ़ोन के अंदर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर आप लोग जाके चेकआउट करवा सकते हो सर्विस सेंटर में जाके। तो यही था वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।